मुलायम सिंह की पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश में आयोजन किए गए जिसमें सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हिस्सा लिया। वहीं यूपी के एक कार्यकर्ता जो कि मुरादनगर का रहने वाला था वो श्रद्धांजलि देते वक्त भावुक हो गया और फूट फूट कर रोने लगा और ज़मीन पर गिर गया, जिसको देखकर आसपास के लोग हंसने लगते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कार्यकर्ता महबूब अली हाथ में माला लेकर तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। रोते रोते वो ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। इस दौरान आप देख सकते हैं वहाँ मौजूद कार्यकर्ता उन्हें ढाढ़स बांधते हैं और हाथ पकड़कर ज़मीन से उठाते हैं। महबूब अली का ये रूप देखकर उसके पास खड़े कुछ लोग हंसने लगते हैं। अब उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि महबूब अली इस तरह भावुक होकर ज़मीन पर गिर पड़ेंगे। फिलहाल अब इसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। बता दें मुलायम सिंह की पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गाँव सैफई में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। अवसर पर नेताजी की समाधि स्थल पर बड़ा मंच और पंडाल सजाया गया, जहाँ हज़ारों की संख्या में अलग अलग जिलों से आए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ उनका पूरा परिवार भी मौजूद रहा। इससे पहले गांधी जयंती पर समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज खान का वीडियो वायरल हुआ था। फिरोज खान यूपी के संभल के रहने वाले हैं। 4 साल पहले उनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह महात्मा गांधी की मूर्ति को गले लगाकर रोने लगते हैं और गांधी जी से कह रहे थे कि देख बापू आज तुम्हारे देश की हालत क्या हो गई, जिसको लेकर उनका काफ़ी मजाक उड़ाया गया था। आज हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी